आप लोग आजकल टूर्नामेंट में एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, बॉस ऑफिसर की टीम द माफिया की टीम के साथ क्लैश तैरनी कर रही है और बॉस ऑफिसर और द माफिया की टीम के बीच में रिमोट बैटल चल रहा है। तो 3 या 4 दिन पहले लिडोमा इंडिया के यूट्यूब चैनल में एक टूर्नामेंट चल रहा था, तो वाले टूर्नामेंट के 5वें मैच में बॉस ऑफिसर की टीम ने द माफिया की टीम के माफिया को रिमोट दिखाया। आप लोग खुद देखो। और माफियाज अभी भी 4 के 4 बंदे बचे। रेवेनेंट और माफियाज के बीच में जो जंग शुरू हुई है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये देखिए, ये एक और टीम से बढ़ गए और यहाँ पे गड़बड़ हो गई। बॉस वंस अगेन इट्स द बॉस ऑफिशियल। ओ माय गॉड ये तो गड़बड़ हो गई और चारों प्लेयर अलग अलग हैं। अब आप लोग ने खुद देख लिया होगा, बॉस ऑफिसर की टीम ने द माफिया की टीम के माफिया को इमोट दिखाया। अब इस दिन द माफिया की टीम अपना बदला नहीं ले पाई थी, तो कल लिडोमा इंडिया के यूट्यूब चैनल में एक टूर्नामेंट चल रहा था, तो वाले टूर्नामेंट के 4थे मैच में बॉस ऑफिसर की टीम ने द माफिया की टीम के साथ क्लैश तैरनी की। अब द माफिया की टीम ने अपना बदला कैसे लिया, आप लोग खुद देखो। पहले मैं आपको बता दूं कि माफियाज के लिए अब सेकंड पोजीशन बचाना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ बैटल लगातार इतने पॉइंट स्कोर कर चुके, शायद सेकंड पोजीशन के हाथ से फिसल सकता है। ओके, सेकंड में है ही नहीं। ओके, बैकएंड से बात आई है, माफियाज इज इन थर्ड पोजीशन और शायद वर्ल्ड ऑफ बैटल सेकंड पोजीशन तक जा चुकी है और पॉइंट ब्लिसमेट्स जा चुके हैं, माफी चाहूंगा, ब्लिसमेट्स जा चुके हैं सेकंड पोजीशन। नीचे कुछ ही दिनों से हो रही है, देखिए इसमें थोड़ा सा रोक लगाना बनता है जी, क्योंकि वो जो ग्लिच है लिटरली मैं भी पिछले 5 दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन अब ये टूर्नामेंट भी होने लगे तो ये गलत बात है। देखिए रैंक तक ठीक था, लेकिन ये चीज अगर टूर्नामेंट में आ रही है तो इस पर ध्यान देना बनता है। सामने की तरफ से आप इस टाइम तो द माफियाज के लिए भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। खास फौजी बचे एंड आरद दोनों प्लेयर्स अभी बचे, क्या यहाँ पे फाइट में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे या तो फॉल बैक यहाँ पे लिया जाएगा। क्या कॉल रहेगी फौजी बचे की बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आरद एक बहुत ज्यादा बेहतरीन काम करेंगे। डिलीट को यहाँ पे रिवाइव दिया जा चुका है। ऊपर की तरफ आरद ने 2 प्लेयर्स यहाँ पे नॉक करके रखे हुए, तो गाइस यहाँ पे किल्स भी मिल जाएंगे इनको। नीचे यहाँ पे शायद पूरी की पूरी टीम यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। मे बी ये तो डिफरेंट लेवल है गाइस। यहाँ पे तो बताया है चट्टा काट के कि ये हमारा एरिया, ये हमारी टेरिटरी है। ओपी बोलते जी, हाँ बिल्कुल टीएम ओपी बोलते। एक बार जरा गाइस कमेंट सेक्शन में लगा दीजिए क्यों। अब आप लोग ने खुद देख लिया होगा द माफिया की टीम ने अपना बदला कैसे लिया, और आप लोग ने फाइट में एक चीज नोटिस की, जब डिलीट बॉस ऑफिसर की टीम के एक प्लेयर को नॉक करते हैं उसी टाइम बॉस ऑफिसर की टीम का जो दूसरा प्लेयर होता है वो डिलीट को नॉक कर देता है, तो फिर आनंद क्या ही फाइट संभालते हैं। वो बॉस ऑफिसर की टीम के दूसरे प्लेयर को तुरंत हेडशॉट मार के नॉक कर देते हैं और डिलीट को रिवाइव दे देते हैं। अब दूसरी साइड जो फौजी अजय होते हैं वो अंशु को रिवाइव देने के लिए जाते हैं, तो जो बॉस ऑफिसर की टीम का लास्ट प्लेयर बचा होता है वो भी वहां पर ही अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए आता है, तो फौजी भाई बॉस ऑफिसर की टीम के लास्ट प्लेयर को मार देते हैं और यही फाइट द माफिया की टीम जीत जाती है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को डिलीट का एक क्लच दिखाता हूं, तो आप लोग क्लच देखो। थैंक्स एमएन स्टैंडिंग से और इनको पे कर रहे हैं यार। डाउन हो गया, अरे डाउन है इनके बहुत सारे। पहले भी डाउन लेके दिल में मारा था किसी से, हील दे रहा है। अब आप लोग कमेंट करके पक्का बताना आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में 2K लाइक कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।